मेरी फैमिली में जी कोई नहीं है फिलहाल, तो बस मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मेरे अब्बू मौलवी हैं, लेकिन मम्मी, मैं मतलब 1.5 साल की थी तो मम्मी का डिवोर्स हो गया है, क्योंकि मेरे जो पापा थे उन्होंने, वो यहाँ आए थे नानी के घर में मौलवी बनकर। यहाँ मस्जिद थी ना, तो उसमें इमाम बन के आए थे। तो मम्मी जो है मदरसे में पढ़ाने जाती थी पहले, तो उनको पसंद आई मम्मी ना, तो उनसे निकाह की बात की। मम्मी जो है ज्यादा अमीर घर से नहीं थी, बहुत छोटे मेरे मेरे नानू थे ना, वो ज्यादा अमीर नहीं थे, किराए के घर में रहते थे। तो उन्होंने अच्छी लाइफ समझ करके उनसे निकाह के लिए तैयार भी होकर कर भी दिया। जब निकाह हो गया तो फिर मम्मी को लेकर मौलवी साहब कुछ समय के लिए यहाँ रहे, लेकिन फिर चले गए। जब वो अपने यहाँ पहुंचे तो मम्मी को वहां जाके पता चला कि वो पहले से ही मतलब शादीशुदा है, उनकी एक वाइफ भी है और ना एक बेबी है, और फिलहाल में जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। कि मम्मी को बाद में वहां जाकर पता चला था, उन्होंने पहले मतलब मम्मी को सब नहीं बताया था। और मतलब जब जहाँ मदरसे आपके 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 वाली साहब जो थे, जो मौलवी साहब थे, वो जिस मदरसे में पढ़ाते थे उसी मदरसे में आपकी वालिदयानी, आपकी अम्मी पढ़ाती थी, तो वो हाँ घर दूर था उनके, वहां पे उन्होंने उनसे निकाह किया, और जब वो उनको घर लेकर के गए तब उनको पता चला कि उनकी पहले से एक बीवी है। हाँ मतलब उन्होंने शादी के या निकाह के वक्त आपकी अम्मी को नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है या पहले से उनकी बीवी है, ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया था इस बारे में, कुछ भी बात ही नहीं हुई थी। ओके ठीक है, फिर उन्होंने उसके बाद निकाह के बाद जब मम्मी वहां पहुंची ना, तो उनको पता चला, तो उन्होंने इस बारे में ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी शादीशुदा जिंदगी है, बच्चे हैं, एक वाइफ है, प्रेग्नेंट है। तो पहले तो मतलब अब्बू ने इस बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मम्मी क्या है ना, बार बार उनसे एक ही क्वेश्चन पूछने लगी, नाराज हो गई। तो उन्होंने, वो हंटर आप जानते हो, वो हंटर होता है ना मारने वाला, तो उससे मेरी अम्मी को बहुत मारा। और बहुत ज्यादा मारने के बाद जब मेरी अम्मी बेहोश हो गई, तो वो जब नमाज के लिए चले गए मस्जिद, तो मेरी बड़ी अम्मी आई और उन्होंने मेरी अम्मी को ना मतलब होश में लाया, पानी वानी दिया और दवा भी उन्होंने लगाई। फिर मेरी बड़ी अम्मी को अम्मी से कोई शिकायत नहीं थी, उन्होंने कहा कि यहाँ तुम कहाँ पर आ गई। उन्होंने इस बारे में फिर उनसे कुछ सवाल भी नहीं किया, और ऐसे ही टाइम भी उन लोग का बीतने लगा। अब्बू रोज आते थे, अम्मी को बहुत मारते थे, और बड़ी अम्मी प्रेग्नेंट थी ना, उनको भी मारते थे। मतलब उनको ऐसा नहीं था कि प्रेग्नेंट है छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी अम्मी के लिए भी रहम नहीं था, वो उनको भी मारा करते थे। फिर क्या हुआ, बड़ी अम्मी के मतलब एक बेटी हुई बाद में, चार एक छोटी सी बेटी हुई थी। तो धीरे मेरे अब्बू को कोई खुशी नहीं थी उसके पैदा होने पे, और फिर ना ही मेरी दादी और बुआ लोग थे, उनको भी कोई खुशी नहीं थी उसके पैदा होने पर। तो आगे जा करके जब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, वो बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब वो घुटने के बल चलने लगी थी। तो एक दिन की बात है, अब्बू आए थे यहाँ से, मदरसे से आए, नहीं मस्जिद से, वो मस्जिद से आए थे, ईशा का टाइम हो रहा था, तो आराम कर रहे थे और बड़ी अम्मी अम्मी सब काम कर रहे थे घर का। तो गोदी में लेने के लिए वो बच्ची रो रही थी, तो वो घिसते घिसते मतलब अपने चलने के लिए अब्बू के पास पहुंची। जब वो वहां पर गई ना, तो ऐसा नहीं है कि अब्बू ने उसको गोद में नहीं उठाया, मतलब उसको ना धक्का मार दिया और दूर उधर जाके ऐसे बोला, जब से पैदा हुई है मतलब मेरे सर का टेंशन ही बनी हुई है, ये बोलकर उसको धक्का मार दिया। मतलब तब वो चल भी नहीं पाती थी, उसका सर जा करना, वो सिलबट्टा होता है ना मसाला पीसते हैं, उस पे जाकर टकरा गया। और फिर क्या हुआ कि उसकी ब्लीडिंग की वजह से वहीं पर मौत हो गई। रेपू को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था कि उसकी मौत हो चुकी है, वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, वो वैसे ही थे, उनका बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया।
बच्चे की मौत के बाद में अम्मी ने गांव वालों से काफी मदद मांगी और बड़ी अम्मी की भी मदद करने की सोची, पर गांव वाले जो थे ना, वहां पे सुन्नी फिरका है, पूरा का पूरा सुन्नी फिरका है बरेली वाली, तो उन्होंने ना कुछ नहीं बोला, बोला इमाम साहब की कोई गलती नहीं हो सकती, तो ऐसे इत्तेफाक से वो बच्ची के साथ ऐसा होना था, अल्लाह की मर्जी थी, हो गए, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। बड़ी अम्मी तो पागल सी हो गई, धीरे धीरे उनका मेंटली जो है हेल्थ खराब होने लगा और वो पागल भी हो गई थी। और मेरे नानी घर भी जो है वो भी जहाँ पर है वो भी पूरा सुन्नी पीर का है और पूरे पूरे बरेली वाले ही है, तो वहां पर कोई ऐसे मदद तो नहीं हुई। फिर उसके बाद बड़ी अम्मी के भाई आए और बड़ी अम्मी को लेकर चले गए, क्योंकि वो पागल हो गई थी, मतलब अब्बू ने ज्यादा सोचा नहीं और उनको जाने भी दे दिया, वो चली गई। अब बची सिर्फ मेरी मम्मी, तो अब्बू रोज आते थे, अम्मी को बहुत मारपीट करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब आज भी 20 साल हो गए पर उनकी बॉडी में वो निशान है। तब मेरी अम्मी फर्स्ट बेबी से प्रेग्नेंट थी, बेबी बॉय था, और वो करीबन 7 महीने की प्रेगनेंसी में चल रही थी मेरी मम्मी। जब क्या हुआ कि एक औरत का उसी गांव में हलाला होना था जिसके लिए वो रेडी नहीं थी, गुस्से में ऐसी तलाक वाला हो गया था सीन, पर वो रेडी नहीं थी इस चीज के लिए, तो उन्होंने मतलब हलाला के लिए मेरे अब्बू करने वाले थे वो हलाला, तो वो नहीं चाहती थी कि ये सब हो, तो वो मेरी मम्मी के पास वो औरत आई और बोली कि आप बाजी ये हलालों को रुकवा दो इमाम साहब को बोल के, ठीक है हम लोग तो ऐसे भी रह सकते हैं ना। तो मेरी अम्मी जो है वो अब्बू जब शाम को आए तो उनको बोली कि मत करो ये सब, वैसे भी हमारा मतलब हमारे देश का संविधान तो ये सब लागू भी नहीं करता, तो आप छोड़ दो ये सब मत करो, उनको रहने दो, जीने खाने दो। तो अब्बू ने अम्मी को बहुत मारा और इतना ज्यादा मारा कि मतलब वो जाकर गिर गई, और गिरने की वजह से उनका जो बेबी था 7 मंथ का, वो भी मिसकैरेज की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से, बेहोश होने की वजह से मर गई वहीं पर। और जब वो मर गया और मेरी मम्मी काफी मतलब बेहोश होने की कंडीशन में हो गई थी, तो मेरे अब्बू ने उनको बोला कि ना तू मेरे और इस्लाम के बीच में मत आया कर, जो हो रहा है वो ऐसे ही चलेगा और ऐसे चलेगा, जो इंडिया का जो नियम है वो यहीं तक है, लेकिन इस्लाम पर ये सब कुछ लागू नहीं होता है, ठीक है, उन लोगों का तलाक हो चुका है, हलाला होगा तो होगा, उनको कोई रहम वगैरह कुछ नहीं आया मेरी अम्मी पर। मेरी अम्मी को सारी बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी। फिर क्या हुआ था कि एक दिन अबू वो लेके आए थे कुर्बानी के लिए, बकरा लेके आए थे, अम्मी को नहीं पता था कि कुर्बानी के लिए है, किसके लिए, छोटा सा था, बहुत छोटा था, तो अम्मी उसको खाना देती थी, वो काफी टाइम पहले से आ गया था, क्योंकि 3 4 महीने पहले उसको खाना देती, खिलाती पिलाती, वो काफी बड़ा हो गया वक्त देखते देखते, और अम्मी वेजिटेरियन है ना तो नहीं खाती ये सब, तो बड़ा हो गया। अब कुर्बानी का दिन आया तो अम्मी को पता चला कि कुर्बानी के लिए आया है, तो अब्बू से वो झगड़ा करने लगी कि नहीं मैं इसको कुर्बानी नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरे को इससे बहुत प्यार है। तो अबू ने फिर अम्मी को मारा, जिसका सर मतलब आज भी जो फूटा हुआ है ना, तो उसका सर पे निशान है उनकी उस चीज की, वो सर फूट गया। फिर जब मम्मी मेरे टाइम में प्रेग्नेंट में थी, तो जब मम्मी मेरे नाम मम्मी को मतलब नानू लेने के लिए आ गए थे, जब लेने के लिए आए ना, तो फिर मम्मी आ गई यहाँ, उनके साथ अबू भी आए थे, लेकिन उनको कोई खुशी नहीं थी, जब वहां पर पता चला कि मैं पैदा हुई तो कोई खुशी नहीं थी उनको, और वो हॉस्पिटल से ही चले गए और फिर वापस अपने घर चले गए, अम्मी को नानू के पास छोड़कर। कुछ वक्त के लिए अम्मी नानू के साथ में ही थी, फिर उसके बाद वो चली गई अपने घर वापस। जब वहां गई ना, तो फिर अबू में मम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो मम्मी को डर था कि कहीं मेरे को भी ऐसे कुछ मार वार नहीं देंगे करके। तो मेरी अम्मी क्या करती थी मेरे साथ में, मुझे बांध कर रखती थी, मतलब मैं कहीं हिल डुल ना सकूं, मैं कहीं इधर जा ना सकूं, तो मुझे बांध कर 24 घंटे बांध कर ही रखा करती थी घर। फिर क्या हुआ कि मेरे नानू की तबीयत खराब होने लगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हाँ ये नहीं बचेंगे, तो मेरी मम्मी मेरी नानू की सिंगल चाइल्ड थी, तो वो चाहते थे कि आखिरी समय पर वो अपने बेटे दामाद से मिल ले, तो उन्होंने मम्मी
उनको लेटर वगैरह भेजवाने की कोशिश की, तो मेरे अबू ने पढ़ा भी लेकिन ना इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन हुआ कि मेरे नानू खत्म हो गए, और जब मेरे नानू खत्म हो गए तो ये बात भी मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताई, लेकिन ना अबू ने फिर भी जाने नहीं दिया। जब मम्मी को बाद में पता चला कि उनके अब्बा खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने अबू से सवाल पूछा कि भाई अबू खत्म हो चुके, तुमने हमको बताया नहीं, वो आखिरी समय पे मेरे से मिलना चाहते थे। तो ना मेरे अबू ने उनको इतना ज्यादा मारा, मतलब फिर हंटर से बहुत ज्यादा मारा, और उनका जो हाथ है ना वो पकड़ के ऐसे चूल्हे जलते हुए चूल्हे में डाल दिए, और उसी की वजह से आज भी मम्मी के जो फिंगर्स है वो काम नहीं करते हैं। तो वो डाल दिया, फिर मम्मी बहुत तकलीफ में थी। एक दिन शाम का समय ही हो रहा था और आराम कर रहे थे मेरे अबू, तो मैं बहुत रो रही थी, ठीक है, और मेरी उस वक्त क्या हुआ था, मम्मी से गलती हो गई थी, मेरे को खुला छोड़ दी थी, तब मैं मतलब चल सकती थी, अपने पैर में 1 साल हो गए थे, मैं चल सकती थी, तो मैं चल चल के जा रही थी पास में। तो क्या हुआ, मेरी अम्मी दौड़ते हुए आई और गोदी ने मुझे उठा लिया कि मेरे अबू के पास ना पहुंच पाऊं मैं करके। फिर अबू ने कहा कि अच्छा हुआ तूने रोक लिया, वैसे भी ये मेरे सर का बोझ ही है, अगर मैं इसको घर में रखूंगा तो भी ये मेरे किसी काम की नहीं है, और अगर मैं इसको शादी भी कर दूंगा तो भी ये क्या ही काम आएगी, किसी के सिवाय किसी के सोने के बिस्तर तक से ज्यादा इसकी औकात भी नहीं होती तुम लोगों की। मम्मी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी, उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। मम्मी ने सारी बातें नानी को बताना शुरू की, नानी कुछ लोगों को लेकर गई और मम्मी को वहां से लेके आ गई। जब मम्मी वहां पर से आ गई तो यहाँ के लोगों ने मम्मी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना शुरू किया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि मम्मी को जिस मदरसे में मम्मी पढ़ाती थी, जब वो वापस वहां पढ़ाने लगी तो उस मदरसा से निकलवा दिया गया मम्मी को। फिर मम्मी जो है दूसरी दूसरी जगह नौकरी ढूंढने लग गई, फिर उनको उस नौकरी से भी नहीं करने दिया गया, मतलब वहां से भी निकलवा दिया गया। ऐसे में खाने वाने के लिए, घर के राशन के लिए, हर चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, और ना हमारे पास खाने के लिए कुछ था ना कुछ भी नहीं था, हमारे की लाइट भी काट दी गई थी, और जो मकान मालिक था, मतलब नानी को विधवा पेंशन मिलते थे उसमें 300 रुपये, तो मकान मालिक था वो उस पैसे को भी ले लेता था। अच्छा और फिर बेटा, क्या, एक चीज मुझे एक सवाल आपसे यहाँ पर आया। आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी जो ये बात है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है जिस पर मैं डिस्कस आगे भी करूँगा लोगों के साथ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है, एक नहीं है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके अब्बू, आपने बताया कि आपके अब्बू मौलवी हैं, राइट? तो जब वो इस तरह के जुल्म कर रहे थे आपकी पहली बड़ी बड़ी अम्मी के ऊपर, आपकी अम्मी के ऊपर, उनकी वजह से आपकी बड़ी बहन की भी डेथ हुई और आपका एक भाई भी मिसकैरेज हुआ, और फिर उसके बाद इस तरह की ज्यादती भी वो कर रहे थे, तो क्या आपके घर वालों ने या आपकी अम्मी के घर वालों ने या आपकी अम्मी ने कभी इसकी पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की उनके खिलाफ? मेरे मम्मी जो है वो गरीब घर से थी, उन्होंने सोचा कि अगर वो जाएंगी तो करेंगी, तो करेंगी भी क्या, मतलब वो वापस तो जाना चाहती थी पर वो कभी जाने की नहीं सोच पाती थी। मेरे नाना नानी बहुत गरीब थे और उनके पास इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, और हम जिस जगह पर रहते हैं, मतलब वो सुन्नी इलाका है, पूरा सुन्नी है, यहाँ पर एक घर सिया है और कुछ वहाबी है। तो क्या होता है कि मम्मी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई नहीं कि कोई भाई आएगा या कोई आएगा, कोई भी नहीं था, और पहले से ही मम्मी के ऊपर काफी मतलब बुरे कमेंट्स होते थे, तो मम्मी उतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो नकाब वगैरह नहीं पहनती थी, मतलब नॉर्मल सलवार सूट ही पहना करती थी, तो इसके लिए काफी मम्मी को बोला जाता था। और रही नाना नानी, तो काफी बूढ़े हो चुके थे और उनका खुद का मतलब घर भी नहीं था, ऐसे में सपोर्ट के बिना क्या हो पाता। और रही घर की बात, तो वो भी किराए का ही है, सब कुछ तो मतलब का कुछ भी नहीं था जो सपोर्ट कर सके उनको। तो मतलब सिर्फ इस वजह से कि एक तो वो मौलवी थे, लोग उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, दूसरा आपकी फैमिली जो ट्रस्ट है, की भी आपकी मतलब मम्मी वजह थी की, क्या? हाँ, आपकी मम्मी ट्रस्ट की अकेली वजह थी, और से। आपके नाना भी बूढ़े थे, मतलब आपकी फैमिली, आपकी मम्मी की तरफ से ऐसी कोई खास सपोर्ट थी नहीं।
इस वजह से नहीं उनके साथ ये जुल्म भी होते रहे, वो सहती रही। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट जो है कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ अदा। एक्चुअली आप ये देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में झूठ बोलना हराम है या धोखा देना हराम है, तो अलतकिया की शुरुआत ही वहां से हुई जब इनके वाली यानी कि जो मौलवी साहब हैं उन्होंने इनकी वालदा को बिना ये बताए कि वो पहले से शादीशुदा हैं उनके साथ निकाह किया। इससे ये बात भी बिल्कुल वाजे हो जाती है जो लोग आकर के जलेबी बनाते हैं कि अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी की इजाजत लेने की जरूरत है, तो कतई नहीं है, क्योंकि पहली बीवी की को बताए बिना, उसको इन्फॉर्म किए बिना, उसकी इजाजत के बिना भी आप इस्लाम में दूसरा निकाह कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि आप अपनी बीवी को मार भी सकते हैं। तो ये जो इन्होंने बताई है कि उन्होंने अपनी बीवी को मारा, मौलवी होने के बाद वो अपनी बीवी को बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान खुद जो है वो महिलाओं को मारने की इजाजत देता है। कुरान के अंदर इस्लाम आपको क्लियरली इजाजत देता है इसकी कि आप अपनी बीवियों को मारें पीटें अगर वो आपकी बात ना सुने, यहां तक कि फिर तलाक भी दे दें। और खुद कुरान जो है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करता। वो कहता है कि सूरह अन्नूर के अंदर कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए बेटे और मेरे लिए बेटियां, यानी कि बेटियों को इतना छोटा और गिरा हुआ बनाता है वो कुरान। अल्लाह अल्लाह जो है कुरान का अल्लाह, मर्दों के सामने उनकी कोई वक़्त नहीं है। और वही चीज मौलवी साहब ने भी पढ़ी है, तो मौलवी साहब भी वही समझते हैं कि बेटियों को महिलाओं को कोई इज्जत के लायक वो नहीं समझते, और उन्हें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझते हैं। एक और पॉइंट इसमें गौर व फिक्र करने का ये है कि जो लोग हलाला की सच्चाई को भी जो है ढकने छिपाने का काम करते हैं, हलाला भी इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक आदमी गुस्से में अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे और बाद में उसको ये एहसास हो जाए कि तुमने गलत कर दिया, तो वो किसी भी कंडीशन में अपनी बीवी को वापस नहीं पा सकता जब तक वो अपनी बीवी का किसी और के साथ निकाह करा के, शादी करा के और उसके साथ उसको सुला करके उसकी इद्दत ना करा ले। इसके बाद ही वो पहला हस्बैंड अपनी बीवी से शादी कर सकता है। यानी कि एक आदमी की, एक मर्द की गलती की सजा हमेशा एक महिला को, एक औरत को भुगतनी पड़ती है। वैसे तो औरत लफ्ज ही कहना इतना गंदा है, औरत का मीनिंग ही है प्राइवेट पार्ट। कितना गंदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये महिलाओं के लिए, जिसको सीधा उसके प्राइवेट पार्ट से पुकारते हैं, गाली देते हैं। एक महिला की ये इज्जत है, ये वक्त, ये औकात है इस्लाम के अंदर। और बाकी जितनी भी सारी चीजें ये बता रही हैं वो तो वाकई में गौर फिक्र करने की हैं कि अगर एक दीन का शैदाई, दीन का दाई, एक मौलवी जो कि इस्लाम, दीन इस्लाम को एक आम मुसलमान से बहुत ज्यादा जानता है, अगर उसकी जिंदगी ये है, तो आप सोचिए कि फिर इस्लाम क्या होगा, अब इस्लाम के मानने वालों को आगे क्या तालीम देगा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं और ऐसे लोगों को हमारे मुसलमान भाई अपने सरों का ताज समझते हैं। उनको ये कहते हैं कि ये हमारे उलमा हैं, हमारे नबी के वारिस हैं, ये लोग उनके सक्सेसर हैं, तो लिहाजा हमें इन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, इन लोगों को अपने सर का ताज बना करके रखना। एक इतने घटिया शख्सियत के मालिक इंसान को वो लोग अपने सरों का ताज बना के रखते हैं, उसको इज्जत देते हैं, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और हमारे मुसलमानों से जब इसके बारे में सवाल किया जाता है, अभी अगर हम इस स्ट्रीम के बाद लिंक ओपन करके अपने मोमिन भाइयों से सवाल करेंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये तो मौलवी साहब की अपनी गलती है, इसमें इस्लाम का क्या लेना देना। अरे भाई, उनके किए हुए एक एक अमल को इस्लाम जायज करता है, वो जो काम कर रहे हैं वो सबकी इजाजत इस्लाम देता है। मुझे एक पॉइंट पे आकर के कोई चैलेंज करे कि इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता जो उन्होंने किया, तो जब ये सारी चीजें तुम्हारी की इजाजत और करने का हुक्म तुम्हारा इस्लाम देता है, तो तुम कैसे उस इंसान के एक्ट को गलत कह सकते हो। और अगर वो बुरा है, इंसान के खिलाफ है, तो डेफिनेटली तुम्हारा इस्लाम गंदगी है और इंसानियत के खिलाफ है। मुझे लिटरली आज रोना आया अदा बेटा, आपकी बात सुनकर, आपकी स्टोरी सुनकर। मुझे नहीं अंदाजा था कतई भी कि इतनी दर्द भरी आपकी ये दास्तान है और इतनी तकलीफों से आप और आपकी वालिदा गुजरी हैं। मैं आपकी वालिदा के जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ मेरी प्यारी बहन।
लोग कहते हैं कि हम लोगों में बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है कि हम फेस दिखा करके आते हैं। मैं कहता हूं कि असल हिम्मत या असल हौसले वाली तो आप जैसी मेरी बहनें हैं और आपकी माँ जैसी हमारी माएँ हैं, जो इतना जज्बा रखती है। और सैल्यूट है आपकी सलाम को बहन, कि आप इस सच्चाई को जो है इतनी बेबाकी से सामने रख रही हैं, ताकि फिर किसी के साथ ये सब ना हो। बहुत बहुत सैल्यूट आपको। अदा फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी वालदा को उन्होंने जिस तरीके से उनका मामला किया, फिर अलग हो गए आपकी वालदा उनसे, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो आप तो मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत छोटी थी, तो आपको फिर ऐसा क्या लगा कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया या इस्लाम से आपने दूरियां बनाई, ये बताएं। और ये भी बताइए कि क्या आपकी वालदा भी इस्लाम को छोड़ चुकी है या उनकी क्या कंडीशन है? पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरे अब्बू जो है उनको सब इतना इसलिए मानते थे क्योंकि जहाँ हम लोग मतलब मेरे नानी के घर हो या फिर ना दादी की जगह, दोनों पर एक बात कॉमन है कि मेरे अब्बू इमामगिरी तो करते थे लेकिन इसके साथ साथ में ना वो भूत प्रेत जो भगाते ना जिन्न विन्न उन सब का भी काम वो करते थे। और इसमें मैं एक झाड़फूंक का। चीज, हाँ झाड़फूंक का, लेकिन मैं इसके लिए बता दूं कि जब भी कोई लड़का आता था तो कॉमन सबके सामने फूका झाड़ी हो जाती थी, लेकिन जब कोई महिला आती थी ना फूका झाड़ी कराने के लिए उसको रूम में अकेले लेके जाके उसको फूका झाड़ी किया करती थी। बाद में कई सारी मम्मी के पास शिकायतें भी आती, फिर जब मम्मी वापस या नानी के घर आ गई तो उन्होंने तलाक के लिए बोला तो अब्बू तलाक नहीं देना चाहते थे, पर अब्बू के सपोर्ट में ना यहाँ के मोमिन लोग भी थे, सब सपोर्ट करते थे अब्बू को। वो चाहते थे कि मम्मी ना हलाला करवा ले और चली जाए वापस, मतलब वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि मम्मी जो है यहाँ पर रहे, तो उनको जॉब भी नहीं करने दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि मम्मी ने बहुत कोशिश की कि वो जॉब के लिए कुछ करे, तो फिर हमारे घर में खाने को भी कंडीशन नहीं था और ना पत्थर मार मार के जो खपड़े के घर होते हैं हमारे यहाँ, मतलब तब मिट्टी के होते हैं और खपड़े लगे होते हैं ऊपर से छप्पर जो होता है वो, तो उसको पत्थर मार मार के पूरा तोड़ दिया गया था। हम पुलिस के पास जाते तो कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कोई रास्ता ही नहीं बचता था। ऐसे में क्या होता था कि बारिश का जितना भी पानी होता था वो हमारे घर के अंदर में घुस जाता था और हम लोगों को घर के अंदर में ही छाता लेके बैठना पड़ता था। फिर मम्मी ने सोचा कि वो बाहर जगह काम करने के लिए जाएगी तो मम्मी इस जगह को छोड़कर दूसरे दूसरे शहर काम ढूंढने चली जाती थी और फिर वहीं काम करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगी थी। धीरे धीरे मैं भी बड़े होने लगी थी, लेकिन क्या हुआ हमारे घर में लाइट भी नहीं थी क्योंकि लाइट काट दी गई थी, हमारे घर के पूरे तार वार काट दिए एक छोटी जाते सी थे जब भी बात, हम एक छोटे। मिनट के लिए मैं आपको और रोकता हूँ अदा। एक छोटी सी बात ये जो आपने कही है ना, ये भी बहुत गौर फिक्र करने की है कि एक आदमी जो है, अगर उसको अपनी बीवी पसंद नहीं है या उसको उससे छुटकारा चाहिए या उसको उससे अच्छी मिल रही है या वो उसको रखना नहीं चाहता मजीद, कुछ भी वजह हो, या उसको यही पसंद नहीं आया कि उसकी बीवी ने जो सब्जी बनाई है आज उसमें नमक ज्यादा कर दिया, तो वो इतनी सी बात पर भी अपनी बीवी को कभी भी मुंह उठा करके तलाक दे सकता है। लेकिन एक महिला लाख कोशिश करने के बाद भी इस्लामी होने के ताल्लुक से कभी भी डाइवोर्स नहीं दे सकती अपने पति को। अच्छा है, बुरा है, घटिया है या बदतर है, उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और ये जो हमारे मुस्लिम्स लोग आकर के कहते हैं कि भाई औरत के पास खुला का ऑप्शन है, तो ये लोग जो है इतने झूठे हैं, ये लोग ये नहीं बताते कि खुला का ऑप्शन है, लेकिन खुला मिलेगा तब जब हस्बैंड देना चाहेगा। वो मांग सकती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, इसको खुला कहते हैं। अब देना ना देना तो वो हस्बैंड के हाथ में, अगर हस्बैंड देता है, खाविन देता है उसका तलाक, तो ही उसको खुला मिलेगा, और नहीं देता है तो उसको नहीं मिलेगा। तो यहां भी वुमन जो है वो कमजोर है, बेबस है, परेशान है और माजूर है। तो दोस्तों, ये हमारे अयान भाई मुस्लिम हैं, ये कह रहे हैं ये लड़के के अंडर डिवोर्स सही बकवास है, वुमेन डिजर्व राइट्स। सर, डिजर्विंग तो बहुत कुछ है अयान भाई, लेकिन इस्लाम इजाजत देता है क्या? नहीं देता।
और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इस्लाम के अंदर रिफॉर्मेशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा तय कर दिया गया आज से 1400 साल पहले कुरान में, आपको वैसा ही एज इट इज फॉलो करना होगा, एज इट इज आपको फॉलो